ओके जी अलकुम आई होप यू कैन हेयर मी सॉरी फॉर दिस लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट वी दैट वाज जेनेटिक एलगोरिदम राइट आज जेनेटिक एलगोरिदम को वाइंड अप करते हैं ताकि अगली क्लासेज में हम दो क्लासेज में डेटा प्री प्रोसेसिंग कर सकें और आफ्टर डेटा प्री प्रोसेसिंग बाई द एंड ऑफ द लास्ट नेक्स्ट वीक यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट और उससे अगले जो क्लास है उसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दूंगी सो अगेन मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट बिकॉज़ ये सिर्फ वीक है आपके पास और uh, प्रेजेंटेशन का मैं खुद से टाइम दूंगी डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट प्रेजेंटेशन टाइमिंग्स दूंगी और अगर कोई अपने टाइम पर प्रेजेंटेशन नहीं दे सका तो मैं उसकी प्रेजेंटेशन नहीं लूंगी और सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल प्रिपेयर नेक्स्ट वीक ठीक है जी अच्छा जी वी वो टॉकिंग अबाउट जेनेटिक एल्गोरिदम जेनेटिक एल्गोरिदम का बेसिकली uh, तरीका ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए uh, सबसे पहले उस प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है उसको क्रोमोजोम uh, में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है वन uh, जीरो की फॉर्म का जो क्रोमोजोम है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं जी बेटे नेक्स्ट मींस ट नेक्स्ट फ्राइडे यस अच्छा जी हम क्रोमोजोम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्रोमोजोम uh, जो होता है वो हम स्टिक करेंगे रियल वैल्यूड क्रोमोजोम्स पे नहीं जाएंगे हम बाइंड्री uh, क्रोमोजोम्स uh, पर रहेंगे और आप बाइंड्री uh, क्रोमोजोम में कन्वर्ट कर लेते हैं एक फिक्स लेंथ के उसके बाद uh, आप एक फिटनेस फंक्शन क्रिएट करते हैं जो उस क्रोमोजोम की क्वालिटी चेक करता है ठीक है और उसके बाद हमने जेनेट ये दो चीज़ें आपने स्पेसिफिक करनी है टू योर प्रॉब्लम बाकी एल्गोरिदम जो है वो एक तरह ही से चलता है आप नंबर ऑफ पॉपुलेशन बना लेते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने दस की पॉपुलेशन बना ली तो दस की पॉपुलेशन आपने दस रैंडमली uh, बना लिए क्रोमोजोम्स दस रैंडम सॉल्यूशंस जिसको हम इंडिविजुअल्स कहते हैं जिसको हम क्रोमोजोम्स कहते हैं इन क्रोमोजोम्स में से कि सारों की अपनी फिटनेस कैलकुलेट करनी है ये आपकी एट्रेशन शुरू होगी आपने फिटनेस कैलकुलेट करनी है फ़िटनेस कैलकुलेट करने के बाद फिटनेस uh, कैलकुलेट करने के बाद आपने उनको सिलेक्ट करना है ठीक है सिलेक्शन जो है वो बेहतर फिटनेस वाले सिलेक्ट होते हैं लेकिन सारे बेहतर फिटनेस वाले सिलेक्ट नहीं होते डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसमें सबसे uh, जो यूज्ड तरीका है वो रोलेट व्हील का है रोलेट व्हील में अभी आपको समझाऊंगी कि क्या होता है उसके बाद जब आपके पास बन जाते हैं पेरेंट्स आ जाते हैं उन पेरेंट्स के ऊपर आप जेनेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं जो कि क्रॉसओवर और म्यूटेशन है क्रॉसओवर म्यूटेशन के पास आपके पास नए ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं और फिर आप यही हाइट्रेशन दोबारा चलाते हैं वो जो नई आपके पास पॉपुलेशन आ जाती है ना कि अगली जनरेशन आ जाती है उस जनरेशन की फिर से आप फिटनेस कैलकुलेट करते हैं पेरेंट सेलेक्ट करते हैं क्रॉस म्यूटेशन अप्लाई करते हैं एंड देन यू यू नो कीप ऑन डूइंग इट अंटिल आपकी हाइड्रेशन पूरी हो जाए या आपको जो फिटनेस रिक्वायर्ड है वो आपको फिटनेस मिल जाए ठीक okay? है अच्छा um, मैं कोई एग्जाम्पल देखना चाह रही हूँ जो मैं आपको एग्जाम्पल करा सकूँ वन स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल एंड ताकि आप एक ही uh, एग्जाम्पल जो एक एग्जाम्पल मुझे मिली है यूट्यूब की वीडियो है वो एक्चुअली और वो मैं आपको यूट्यूब का लिंक भी भेज दूंगी लेकिन वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको खुद समझा देती हूँ और आप उसके बाद वीडियो वो वाली दोबारा से देख भी लीजिएगा ख़ुद से तो क्योंकि वो एग्जाम्पल ज़रा सिंपल सी है तो मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू वो यूट्यूब वीडियो की है मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी hmm. हा जी कैन एवरीबडीव सम इशू ऑन योर साइड प्लीज इसको सोल्व uh, करें सो देट वी कैन मूव अच्छा जी लुक एस दीज आर दॉ टॉक अबाउट सिलेक्ट एन कोडिंग टाइप इसका मतलब है आप अपने प्रॉब्लम को इनकोड uh, कर देंगे किसी क्रोमोजोम में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद आपने पॉपुलेशन का साइज़ चूज़ करना है कि आपने दस रखने हैं चार रखने हैं यूजली फिफ्टी अबव होते हैं ये बड़ा बहुत बड़ा एल्गोरिदम uh, होता है और उसके बाद आप इनिशियली चूज़ करते हैं इनिशियल पॉपुलेशन आप रैंडमली बनाते हैं उसके बाद आप पेरेंट सेलेक्ट करते हैं क्रॉस ओवर न्यूट्रेशन करते हैं वैल्यूएशन करते हैं ऑफ स्प्रिंग्स की और उसके बाद आप यू नो यू स्टॉप जब तक स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं आता यू कीप ऑन मूविंग बिटवीन फोर एंड सेवन ठीक है, uh, x ये है ये ये आपका बन गया, और जो एक्स की रेंज है ना वो जीरो से थर्टी वन हो सकती है ठीक है दिस इज वॉट वी आर से सबसे पहले तो इनकोडिंग टेक्निक क्या होगी क्योंकि आपकी वैल्यूज जो है वो जीरो से लेकर थर्टी वन तक है तो थर्टी वन सबसे बड़ा नंबर है जो कि चूज हो सकता है तो आप उसको बाइनरी में कितने नंबर में पांच बिट्स में कर सकते हैं ऐसे ही है ना जीरो तो जीरो में आ जाएगा थर्टी वन जो है वो वन 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 में तो हम पांच बिट्स जो है वो रिजर्व कर लेते हैं पांच बिट्स का क्रोमोजोम बना लेते हैं ठीक है दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अच्छा जी लेट्स तो जीरो जीरो तो आपको अगर जीरो जीरो का मेंशन करना है तो वो इस तरह होगा आप थर्टी करना है तो वो इस तरह होगा फिर हम पॉपुलेशन साइज चूज करते हैं पॉपुलेशन साइज यूं पे यहाँ पे 4 रखा हुआ है ताकि हम कर सके यूजुअली पॉपुलेशन साइज इतना छोटा नहीं होता अब आपने रैंडमली पिक करना है जीरो से थर्टी वन के दरम्यान रैंडमली आपने ये सारे सोल्यूशन है ना असल सोल्यूशन क्या है असल सोल्यूशन है थर्टी वन जो कि जिसको स्क्वायर करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा लेकिन हम प्रॉब्लम इसको छोटी सी प्रॉब्लम को ले रहे हैं ताकि हम इसको आपको सॉल्व करना बता सकें जीरो से थर्टी वन तक का कोई भी एक सोल्यूशन हो सकता है हम ये कह रहे हैं और तो हम रैंडमली चूज कर लेंगे कोई से भी चार ठीक है जी हम रैंडमली कोई से भी चार नंबर चूज कर लेंगे तो यहां पर सेड के ये चूज किए उन्होंने रैंडमली आपने इनिशियली रैंडम पॉपुलेशन जनरेट करनी होती है उन्होंने थर्टीन, ट्वेंटी फोर, एट और की है। लेकिन ये क्रोमोजोम की फॉर्म में इस एल्गोरिदम में चलेंगे नॉर्मल फॉर्म में नहीं चलेंगे अब आपने इसमें से पेरेंट क्रोमोजोम ढूंढना है गॉट इट आपने इसमें से पेरेंट क्रोमोजोम ढूंढना है अगला स्टेप आ गया तो ये रोल रोलट व्हील सिलेक्शन मेथड है ये अब आपको समझना पड़ेगा मैं अभी आपको बताती हूँ इसमें हमने करना क्या होता है क्या आप इसकी फिटनेस कैलकुलेट करते हैं फिटनेस कैलकुलेट कैलकुलेट करने के लिए ना ये मेरे पास यहाँ पर पा ये वो है आपके पास फिटनेस फंक्शन है तो आपके पास जितनी निकली थी ना वैल्यूज उन सब की हमने उन सबको रोलेट व्हील की फॉर्म दे देनी है अकॉर्डिंग टू देर फिटनेसेस मतलब कि जिस सोल्यूशन का फिटनेस वैल्यू कम होगी उसको इस व्हील के ऊपर कम जगह प्रोपोर्शन मिलेगा समझ आई जिसकी ज्यादा ज्यादा होगी उसको जगह मिलेगी लेकिन चांस सबका आने का होगा और जब पेरेंट सिलेक्ट करना है तो हमें सिंपली करना है इस रोलेट व्हील को चलाना है चला के ये जहां रुकेगा वो पेरेंट सिलेक्ट हो जाएगा ये बात आपको समझ आई है बात कॉन्सेप्ट समझ आया मैं एग्जांपल अभी इसकी जो बनती है वो बताऊंगी आपको चले लेट्स मूव ऑन टू दिस दी ये हमारी वो थी ये वैसे ये जो प, ये है ना ये इस वक्त एक्स की वैल्यू मैंने ये जो सोल्यूशन की वैल्यूज हैं ये नंबर में लिखी हुई है ये, है, ये इन, इन, असल एल्गोरिदम में ये क्रोमो उसमें होंगी आपकी बाइंड्री में ओके okay जी सो दिस इज वट इट इज ये आपने उसकी सारी वैल्यूज हैं ये स्ट्रिंग इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट हुआ है अब इसकी सारों की फिटनेस वैल्यूज निकलेंगी फिटनेस वैल्यूज क्या है एक्स का स्क्वायर सो so, तो इस यहाँ थर्टीन का स्क्वायर होगा ट्वेंटी फोर का स्क्वायर होगा एट का स्क्वायर होगा नाइनटीन का स्क्वायर होगा और ये इनकी फिटनेस वैल्यूज हैं दीज आर द फिटनेस वैल्यूज ये देखें इसकी पॉपुलेशन उन्होंने अब बाइंड्री में यहाँ शो करना शुरू कर दिया

अगले उसका होगा 576 डिवाइडेड बाय 170 ये आप कैलकुलेट करके देख लें तो ये बनता है ये पूरा बन रहा है ये देखो ये 1 का मतलब ये है कि ये पूरा रोलेट व्हील ठीक है जो स्ट्रिंग 1 है वो ब्लू से शो की हुई है उसको 0.4 या 14% ऑफ योर रोलेट व्हील मिला हुआ है जो आपका अह ऑरेंज से कौन सा रिप्रेजेंट किया हुआ है मेरे ख्याल से ये 0.6 जो है ना वो ये देखें ग्रीन ये सबसे कम है ठीक है ये पॉइंट फोर नाइन जो है ये तकरीबन आधा है विच इज दिस दिस ऑरेंज पार्ट राइट और ये आपका पर्पल जो है ना वो ये पॉइंट थ्री वन है so this is how it is. अब हम करते क्या है कि इस रोलेट व्हील को चलाते हैं प्रोग्रामिंग में इसको किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं आप बेसिकली जीरो से लेके वन तक का या हंड्रेड कर लें अगर परसेंटेज में करें ना आप तो हंड्रेड कर लें Um, इनकी क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकाल लेंगे रुके मैं यहाँ देखाती हूँ दिस इज एन एड नाउ जी उसामा आप आवाज आ रही है उसामा बेटी आवाज आ रही है मैम आपकी आवाज आ रही है लेकिन शायद उसका मसला है कोई अच्छा अच्छा ठीक है मैं आपको वो एग्जांपल दोबारा शेयर करती हूँ जी इज़ हाउ इट इज अच्छा जी वी वर एट द प्रोबेबिलिटी सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी काउंट ठीक है इन्होंने यहाँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया टेल यू कि ये किस तरह होता है लेट मी कैलकुलेट इट राइट कैलकुलेटर्स तो प्लीज ये कैलकुलेट करें वन सिक्सटी नाइन डिवाइडेड बाय सेवन जीरो ड्रॉ माई ओन ठीक है प्रोलेट भी हम अपना ड्रॉ करते हैं अच्छा जी इसमें अब आपके पास ये पहला ये इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट वन फोर है इसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट फोर नाइन है इसकी पॉइंट सिक्स है पॉइंट थ्री वन है और इसकी वन है तो हम करते क्या है कि इस रोलेट व्हील में उतनी उतनी जगह इसको दे देते हैं तो उसके लिए क्यूमुलेटिव हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव निकालनी पड़ेगी जैसे कि क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि ये पहला होगा पॉइंट वन फोर ठीक है तो इससे अगली होगी पॉइंट वन फोर प्लस पॉइंट फोर नाइन Which is उसके बाद हम इसमेंगे पॉइंट थ्री वन एड करेंगे विच इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट वन पॉइंट बन जाती है वो इतनी ठीक है तो अब हम अपना रोलेट व्हील किस तरह बनाएंगे हम अपना रोलेट व्हील इस तरह बनाएंगे कि सबसे पहला जो है ना वो पॉइंट वन फोर जीरो से अगर हम इसको यहां जीरो से स्टार्ट करें तो उससे मैं उससे नेक्स्ट जो है ना उसको हम उतनी जगह दे देंगे लाइक फॉर एग्जांपल हम इसको इतनी जगह दे देंगे ये आपकी स्ट्रिंग वन को जगह मिल गई ठीक है उसके बाद पॉइंट फोर नाइन है विच इज अ बिगर चंक सो इट्स गोइंग टू बी सम ये आधा हो जाता है तो आधे से थोड़ा कम समझ लें तो ये आपका जीरो से लेके एक सेकेंड ये अगला पार्ट हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी सेकेंड और अगला तो है उसमें तो बहुत ही थोड़ा सा है तो ये बिल्कुल ही इतनी सी जगह होगी और ये बाकी की जगह जो है ये फोर्थ स्ट्रिंग को मिली हुई है सो लेट मी राइट इट डाउन सो दिस इज योर फर्स्ट दिस इज योर सेकेंड स्ट्रिंग दिस इज प्लेस दैट थर्ड स्ट्रिंग गॉट एंड दिस इज द प्लेस फोर्थ स्ट्रिंग ठीक है अब आप ये बेसिकली जीरो से लेके पूरा पूरा करके ये हंड्रेड uh, तक है आप जीरो से हंड्रेड तक की कोई भी वैल्यू रैंडम वैल्यू निकालेंगे एक पेरेंट सिलेक्ट करना है ना तो बिल्कुल उस तरह होगा जैसे रोलेट व्हील चलता है ठीक है रोलेट व्हील चलेगा और वो कहीं भी रुक जाएगा जैसे कि वो यहां रुक जाएगा यहाँ रुक जाएगा तो पहला पेरेंट जो है ना वो फोर सिलेक्ट हो जाएगा आई समझ ये रोलेट व्हील समझ आ रहा है बेटे यस मैम ठीक है अब दोबारा रोलेट व्हील चलाएंगे लेट्स से के टू सेलेक्ट हो गया अब अब क्या है यहाँ पे पॉइंट क्या है पॉइंट ये है कि जो सबसे फिटेस्ट है इनमें सबसे फिटेस्ट कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा वो है फिटनेस काउंट है उसको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल रही है उसको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है चूज होने की लेकिन ये नहीं है कि जो सबसे लीस्ट लीस्ट प्रायोरिटी वाला sorry, वाला सॉरी प्रोबेबिलिटी है उसके पास चांस ही नहीं है चांस है लेकिन थोड़ा चांस है अब टू के पास क्योंकि व्हील का बिगर चंक मौजूद है तो इस वजह से इसका चांस ज्यादा है तो थ्री भी सिलेक्ट हो सकता है ये डायवर्सिटी लेकर आता है सो हम लेट से हम रिज्यूम करते हैं पहले फोर सिलेक्ट हुआ फिर टू सिलेक्ट हुआ फिर वन सिलेक्ट हुआ फिर दोबारा पेरेंट टू सिलेक्ट हो गया अब हम क्या करेंगे इन पेरेंट्स को यूज करके इनके ऊपर क्रॉस और म्यूटेशन अप्लाई करेंगे ठीक है जो कि इसका अगला स्टेप होगा हम ये करेंगे कि हम ये वाली वो नहीं लेंगे वैल्यूज हम वो वैल्यूज लेंगे जो यहां पर इन्होंने ली हुई है जो इनके उसने एल्गोरिदम ने सिलेक्ट की है ताकि हम समझे ये 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 दो स्ट्रिंग टू सिलेक्ट हुई ये देखें पहले स्ट्रिंग टू सिलेक्ट हुई फिर स्ट्रिंग वन सिलेक्ट हुई फिर स्ट्रिंग टू सिलेक्ट हुई फिर ये आपके पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हो गए अब हम इन पे क्रॉसओवर और म्यूटेशन करेंगे क्रॉसओवर म्यूटेशन किस तरह करते हैं क्रॉस ओवर ये करते हैं कि आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जैसे ये ये है ना तो इनमें से मैं एक भी क्रॉस पॉइंट चूज कर लूंगी या वो ये होगा या ये होगा ये होगा, ये होगा रैंडमली चूज अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज किया मैंने लास्ट क्लास में बताया था और ये चूज किया तो इसको मैं इधर ले जाऊंगी इनको मैं इस तरह आपस में इधर उधर ले मतलब कि उसका पार्ट उधर चला जाएगा उसका दूसरा हिस्सा इधर आ जाएगा मीनिंग कि आपके पास नए वो चूज हो जाएंगे यहाँ देखते हैं कि इन्होंने किस तरह इसको कैसे अप्लाई किया हुआ है लुक दिस इन्होंने ये ये पॉइंट लिया जो यहां नजर आ रहा है ना तो अब ये देखो वन वन जीरो जीरो पहले पेरेंट में से लिया और जो क्रॉस ओवर के बाद वाला हिस्सा है वो दूसरे पेरेंट में से ले लिया तो ये नया ऑफ स्प्रिंग बन गया सिमिलरली जो इसका पहला हिस्सा है वो हमने यहाँ नीचे दूसरे ऑफ स्प्रिंग में लिया जीरो वन वन जीरो और जो दूसरा हिस्सा है वो पहले पेरेंट में से ले लिया तो ये ऑफस्प्रिंग बन गया आगे समझ यहां पे जब हमने किया, तो ये हुआ, अब हुआ पहले ऑफ स्प्रिंग में हमने पहले पेरेंट का ये हिस्सा दूसरे पेरेंट के इस हिस्से के साथ अटैच कर दिया और मेरे पास एक नया ऑफ स्प्रिंग आ गया सिमिलरली दूसरे ऑफ स्प्रिंग के लिए इसका पहला हिस्सा और इस पेरेंट का दूसरा हिस्सा ये आपस में मैच वो किए आपस में किए तो मेरे पास ये दूसरा आ गया तो so ये आपकी ये आपकी नई जनरेशन बन गई चार की गॉट इट यस मैम जी ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड दिस इज नोन एज क्रॉस ओवर इसके बाद म्यूटेशन भी करनी होती है म्यूटेशन क्या होता है कि आप सिंपली अ uh, मैं देखूं इन्होंने म्यूटेशन कैसे की हुई है हाँ अच्छा म्यूटेशन सिंपली क्या होती है आई डोंट नो कि इन्होंने म्यूटेशन की हुई है कि वन वन जीरो वन वन जीरो है जीरो वन वन जीरो है वन वन जीरो 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 वन वन जीरो जीरो ये ऑफस्प्रिंग है ठीक है इन्होंने नहीं की हुई मैम जी उन्होंने नहीं की म्यूटेशन नहीं की देखना चाहती हूं एक सेकेंड में लेट मी मैच ऑल द ऑफस्प्रिंग्स मुझे फिर पता चलेगा वो मैं कोई बात नहीं आपको बता देती म्यूटेशन इज नथिंग इज जस्ट चेंजिंग अ अ बिट ठीक है जी ये आपकी ये देखते हैं जीरो वन वन जीरो जीरो भी है हमारे पास वन वन जीरो जीरो वन भी है और वन हाँ इन्होंने म्यूटेशन ने की भी वरना म्यूटेशन पता है क्या होती है म्यूटेशन इज सिंपली कि ये जो आपके uh, आए हैं ना जितने भी ऑफ uh, स्प्रिंग्स आए हैं इनमें से कोई सी नंबर ऑफ बिट्स आप एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अः uh, आया के ट्वेंटी परसेंट ऑफ द बिट्स इसमें से ना म्यूटेट कर दो म्यूटेट का मतलब है जो उनकी वैल्यूज है ना अगर वन है तो जीरो कर दो जीरो है तो है। for example, मेरे पास प्रॉबिबिलिटी आई कि फिफ्टी परसेंट ऐसे इतनी ज्यादा प्रॉबिबिलिटी रखते नहीं है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी परसेंट ऑफ दी परसेंट ऑफ दिट्स को आप वो कर दें तो ट्वेंटी परसेंट आपका क्या बनती है पांच बिट्स की एक बिट बनती है तो इसमें से ट्वेंटी परसेंट अगर बिट्स करनी है तो इसमें से रैंडमली एक बिट पिक की और उसको जीरो से वन या वन से जीरो कर दिया हर ऑफ स्प्रिंग में आप इस तरह कर सकते हैं इसे हम म्यूटेशन कहते हैं ठीक है अब इसके बाद हम हमारी ऑफ स्प्रिंग जनरेट हो गई स्प्रिंग के लिए अब हम क्या करेंगे अब ये देखेंगे कि ऑफ स्प्रिंग्स क्या है ये क्रोमोजोम क्या है इनकी अगर हम से डेसिमल वैल्यूज देखें ना तो ये बनती है अब इसकी दोबारा से हमने फिटनेस कैलकुलेट की ये सारी फिटनेस कैलकुलेट की फिटनेस कैलकुलेट करने के बाद उसी तरह प्रोबेबिलिटी निकाली रोलेट व्हील से पेरेंट सिलेक्ट किया और इवेंचुअली आपने मैं देखूं इन्होंने आगे सॉल्व किया हुआ है कि ये इसी तरह बिल्कुल उसी तरह उन्होंने प्रोबेबिलिटी काउंट निकाला उसके बाद रोलेट व्हील में डाला रोलेट व्हील ने मजीद सिलेक्शन आगे की एंड वी इवेंचुअली कीप ऑन डूइंग दिस टिल यू दैट्स इट ये एक आइट्रेशन समझ आ गई बेटे आपको गुड yes,

जेनेटिक ऑपरेटर लगा के क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन उसके बाद आपने ऑफ स्प्रिंग्स की जनरेशन uh, को आगे मजीद पास किया एंड देन यू ने यू क्वीप ऑन डूइंग दिस दाइट्रेश कुछ पैरामीटर्स हैं बहुत डिफरेंट uh, डिफरेंट से जिसको मेरे ख्याल से हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर योर your... ठीक um, है जी दैट्स फाइन दैट्स इट मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से जेनेटिक एलगोरिदम तो मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है um, एक ये वीडियो जो मैं है ना इसके लिंक आपको भेजती हूँ ये वीडियो देख लें और uh, मेरा जो लेक्चर है उसे देख लें एंड देर इज लोड्स ऑफ मटीरियल ऑन जेनेटिक एलगोरिदम ऑन इंटरनेट जी आन से क्वेश्चन किस तरह तरह का आएगा मैं, अगर ऐसे आया भी तो दे, अभी जिस तरह की एग्जांपल नहीं मैंने सॉल्व की ये एग्जांपल इस तरह की एग्जांपल आ सकती है आ, या इसका कोई एक स्पेसिफिक आ, स्टेप मैं आपसे कह सकती हूँ पेरेंट पॉपुलेशन देके इस क्रॉसओवर अप्लाई करने को कह सकती हूँ किसी की फिटनेस कैलकुलेट करने को कह सकती हूं इस तरह के सवाल आ सकते हैं

अच्छा जी अगेन योर प्रोजेक्ट इज ड्यू नेक्स्ट वीक सो मेक श्योर देट यू स्टार्ट यू शुड हैव बीन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट है टाइम लगेगा आपको और आपने करना यह है कि अगले वीक के एंड तक uh, उसको सबमिट कराना है और नेक्स्ट वीक की जो उससे अगले वीक की जो क्लासेस होंगी जो मैं आपको डेट्स एक्चुअली बता देती हूँ सो यू नीड टू सबमिट इड टू मी बाय फोर्टीन ऑफ जनवरी और इससे आगे डेट नहीं होगी बिकॉज हमारे पास सिर्फ दो वीक्स होंगे जिनमें मैं आपकी प्रेजेंटेश ले सकती हूँ तो वो जो अगले दो वीक्स होंगे उसमें विल बी टेकिंग द आपके अगला वीक जो दो है लेक्चर्स हैं वो आपके डेटा प्री प्रोसेसिंग पे होंगे और जो आपका सिक्सटीन से ट्वेंटी फर्स्ट वाला वीक है सॉरी सेवनटीन से ट्वेंटी फर्स्ट वाला वीक है उसमें आप और उससे जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपकी वो है प्रेजेंटेशन है मैं उसका शेड्यूल आपका डाल दूंगी और आपकी क्योंकि ऑन कैंपस सब क्लासेस हैं तो आपको ऑन कैंपस ही प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करनी है और देनी भी है ठीक है जी अच्छा एक मैं रिटर्न असाइनमेंट अपलोड करूंगी जिसमें मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको देना चाह रही हूँ जैसे कि जिस तरह के हम क्विज में करते हैं एग्जाम्स में करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और वो मैं आपको दूंगी जब आप फोर्टीनथ को सबमिट करा लेंगे ना अपना प्रोजेक्ट तो उसके मैं उसके साथ ही आपको दूंगी ताकि आप बर्डन ना हो और वो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी ठीक है और वो अपने असाइनमेंट हैंड रिटर्न फॉर्म में जो है वो सबमिट करानी है ठीक है जी वो डन विद टूडेज टॉपिक यही मैंने डिस्कस करना था अब नया टॉपिक हम अगली क्लास में इन पर्सन इन मंडे को आपसे मुलाकात होगी और uh, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसमें डिस्कस करेंगे ठीक है जी एनी क्वेश्चन नो मैम नो मैम चलें ठीक थैंक यू बेटे दैट्स इट मैं बेटे किसकी मेम्बर टेंडेंस इट्स ऑल प्रेजेंट है आई एम नॉट टेकिंग द अटेंडेंस थैंक यू सो मच मैम ओके जी लाफिस लाफिस मैम हेल्लो